सब्सक्राइब करें रियल रेस मेकर चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल रेस मेकर। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर मल्टीपल स्ट्रिप फ्लेयर्ड कुर्ती बनाना बताएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर प्लेन और प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। प्लेन फैब्रिक हमने 4 मीटर लिया है और प्रिंटेड फैब्रिक हमने 2.5 मीटर लिया है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टॉप पार्ट कट करेंगे। टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। टॉप पार्ट की लंबाई हम लेंगे 15 इंचीस। शोल्डर की चौड़ाई हमें लेनी है 7 इंचीस, मार्क कर लेंगे। और यहाँ से आर्म होल की लंबाई लेंगे 6.5 इंचीस, मार्क करेंगे और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट की चौड़ाई हमें लेनी है 10 इंचीस का। आपका जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाय 4 करके 1 इंचीस एक्स्ट्रा लेना है सिंगल आर्म्स के लिए। कमर की चौड़ाई हम लेंगे 9 इंचीस, मार्क करेंगे और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे और इसे कट कर लेंगे। इस तरह टॉप पार्ट हमने कट कर लिया है। अब दोनों पार्ट की नेक की चौड़ाई और लंबाई लेंगे। नेक की चौड़ाई हमें लेनी है 3 इंचीस, नेक की लंबाई हमें लेनी है 5.5 इंचीस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेना है। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। इसी तरह बैक पार्ट की नेक की चौड़ाई भी 3 इंचीस लेना है और नेक की लंबाई हम लेंगे 4 इंचीस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह दोनों पार्ट की नेक हमने ड्रॉ कर ली है। अब इसे कट करेंगे। अब दोनों पार्ट के लाइनिंग फैब्रिक हम कट करेंगे। लाइनिंग फैब्रिक को हमने सिंगल बिछाया है, इसके ऊपर टॉप पार्ट को रखेंगे। इस तरह दोनों टॉप पार्ट को रख दिया है। अब वेसेटिंग इसे कट करेंगे। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। स्लीव की लंबाई हमने ली है 17 इंचीस और स्लीव की चौड़ाई हम लेंगे 8.5 इंचीस। यहाँ पे मार्क कर लेंगे और यहाँ से नीचे 3 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ कर लेना है। इसी तरह मोरी की चौड़ाई हमें लेनी है 6.5 इंचीस और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेना है। लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह दोनों स्लीव हमने कट कर ली है। अब इसे ओपन करेंगे और वन साइड हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे टॉप पार्ट लिया है, इसे रॉन्ग साइड रखा है। इसके रॉन्ग साइड हमें लाइनिंग फैब्रिक को रखना है और लाइनिंग फैब्रिक को रख के एजरिंग इसे दोनों फैब्रिक को मिला के सिलाई लगा लेनी है। दोनों पार्ट के साथ हमने लाइनिंग फैब्रिक अटैच कर लिया है। अब नेक पे हमें स्ट्रिप अटैच करनी है। इसके लिए हमने यहाँ पे प्रिंटेड स्ट्रिप ली है जो क्रॉस में काटी है और इसकी चौड़ाई हमने 1 इंचीस लिया है। इसे रॉन्ग साइड से अटैच करेंगे और राइट साइड टर्न करके नेक स्ट्रिप बनाएंगे। तो इस तरह फ्रंट और बैक पार्ट में नेक स्ट्रिप बना ली है।
टॉप पार्ट के नीचे के बॉर्डर पे हमें स्ट्रिप अटैच करनी है। इस तरह की स्ट्रिप हमने ली है जिसकी चौड़ाई है 3.5 इंचेस। स्ट्रिप को इस तरह नीचे के बॉर्डर पे अटैच करना है और ऊपर की बॉर्डर को फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। इस तरह मैंने कमर में स्ट्रिप अटैच कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट के राइट साइड बैक पार्ट को उल्टा रखे शोल्डर को अटैच करेंगे। इस तरह शोल्डर हमने अटैच कर लिया है। अब आर्म होल में स्लीव अटैच करेंगे। टॉप पार्ट के राइट साइड स्लीव को उल्टा रखेंगे और इसे अटैच करेंगे और मोरी की बॉर्डर पे हमें स्ट्रिप अटैच करनी है। इसी तरह दूसरी स्लीव को भी अटैच कर लेना है। तो इस तरह मैंने दोनों स्लीव को अटैच कर लिया है और मोरी की बॉर्डर पे स्ट्रिप अटैच कर ली है। अब हम बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। पार्ट के लिए हमने यहाँ पे 2 स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई है 7 इंचेस और लंबाई हमने लिया है 44 इंचेस। इस तरह दूसरी स्ट्रिप की भी चौड़ाई और लंबाई हमने सेम रखी है। इसके नीचे दूसरी स्ट्रिप आएगी प्रिंटेड, इसकी चौड़ाई और लंबाई प्लेन स्ट्रिप के अकॉर्डिंग हमने ली है। ये दोनों स्ट्रिप को अटैच कर लेना है। इसी तरह बैक पार्ट के लिए हमने स्ट्रिप ली है, इसके साथ भी प्रिंटेड स्ट्रिप को अटैच कर लेना है। तो इस तरह दोनों स्ट्रिप को हमने अटैच कर लिया है। अब इसके नीचे दूसरी स्ट्रिप आएगी। इस तरह की हमने स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई हमने 7 इंचेस लिया है और लंबाई हमने 1.5 मीटर लिया है। इसके नीचे और प्रिंटेड स्ट्रिप आएगी जिसकी चौड़ाई भी हमने ऊपर की लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग लिया है। अब दोनों स्ट्रिप को अटैच कर लेना है। अटैच हो जाने के बाद ऊपर की बॉर्डर पे हमें बड़े नंबर वाली सिलाई लगानी है। इसी तरह सेम तरीके से बैक पार्ट के लिए हम स्ट्रिप को रेडी करेंगे। तो इस तरह मैंने ऊपर की तरफ बड़े नंबर वाली सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से हमें एक धागे को अलग करके खींचना है और गैदरिंग बनानी है। इस तरह की गैदरिंग हमने बना ली है। अब इसे ये 2 स्ट्रिप के साथ अटैच करना है। इस तरह 4 स्ट्रिप हमने अटैच कर लिया है। अब नीचे और 1 स्ट्रिप आएगी। इस तरह के फ्रंट और बैक पार्ट के लिए 2 स्ट्रिप ली है हमने जिसकी चौड़ाई 7 इंचेस लिया है और लंबाई हमने 2 मीटर लिया है दोनों स्ट्रिप की। इस दोनों स्ट्रिप के ऊपर के बॉर्डर पे हमें बड़े नंबर वाली सिलाई लगानी है। इस तरह हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से एक धागे को अलग करके खींचना है। और इस तरह की गैदरिंग हमें बनानी है। तो इस तरह गैदरिंग बना ली है। अब इसे बॉटम पार्ट के साथ अटैच करेंगे। इस पार्ट को इस फ्लेयर के नीचे अटैच करेंगे। अटैच हो जाने के बाद ऊपर की बॉर्डर पे बड़े नंबर वाली सिलाई लगानी है। यहाँ पे मैंने बड़े नंबर वाली सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से एक धागे को अलग करके खींचेंगे और गैदरिंग बनाएंगे। जितनी हमारी कमर की चौड़ाई होगी इसी नाप की गैदरिंग हमें बनानी है।
इस तरह मैंने दोनों पार्ट की गेथनिंग बना ली है। अब इसे टॉप पार्ट के साथ अटैच करना है। टॉप बॉटम को अटैच कर लिया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए फिटिंग करेंगे। इस तरह दोनों लेयर को मिला लिया है। अब स्लीव से लेकर नीचे तक 1 इंच का मार्जिन रख के सिलाई लगाएंगे और नीचे के बॉर्डर को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह मैंने इस कुर्ती को फिटिंग कर लिया है और बॉर्डर को फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब इसे राइट साइड टर्न करेंगे। इस तरह कुर्ती को राइट साइड टर्न कर लिया है। यहाँ पे हम बटन से डेकोरेट करेंगे। तो इस तरह फाइनली डिज़ाइनर मल्टीपल स्ट्रिप फ्लेयर्ड कुर्ती हमने रेडी कर लिया है। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।